अस्सलाम वालेकुम, टीकेडी में खुश आमदीद। तो भाई ये वीडियो बनाने का मकसद ये नहीं है कि आप में से मैं किसी की इंसल्ट कर रहा हूँ, बाकी ये चीज़ें आप लोगों को बतानी लाजमी थी ताकि आप लोग आगे से इस तरह से ना करो। तो भाई सीन इस तरह से हुआ है कि एक लड़की जीती थी जिनका गेवे था। ये बेसिकली यार ये मैंने इसका गेवे निकाला था, ये प्लेक्सोन की हैंड फ्री थी तो इसका मैंने गेवे निकाला था और एक ये लड़की जीती हैं। अब मैं उनकी आगे चल के स्टोरी बताता हूँ, मगर कुछ लोगों ने किया इस तरह कि उनकी फेक इंस्टा आईडी बना के मुझे मैसेज करके कह रहे हैं कि अपनी बहन को आप जल्दी से रिप्लाई करें, आपकी बहन आपका इंतज़ार करी है। तो वो गिवे का जो है वो जीत गई हैं, उन्होंने कमेंट किया था तो मैं उनसे रब्ता करूँ, उन्हें दे दूँ। और एक भाई ने कहा कि मैंने अपनी क्या कहते हैं बहन की आईडी से जो है वो की है, मैं यहाँ पे स्क्रीनशॉट डाल दूँगा, नाम हटा दूँगा ताकि किसी को बुरा ना लगे। तो क्या कहते हैं आप जो है वो रिप्लाई करें, मैं आपको डिटेल्स वगैरह सेंड करता हूँ। कुछ लोगों ने उसी नाम से आईडी बना के मुझे मैसेज किया हुआ है कि मैं जीत गया हूँ, ये है तो फलाना है, इस तरह है। अब इस तरह से नहीं होता, कुछ लोग मुझे कमेंट करके, एक भाई कह रहे हैं कि भाई आपने मुझे मेरी बहन को अब तक रिप्लाई नहीं किया, मैंने उनकी आईडी से आपको मैसेज किया था। तो यहाँ पर मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि मैं किस तरह से विनर को लेता हूँ। जब कोई विनर जीत जाता है ना तो होता ही है कि वो मुझे अपनी इंस्टा आईडी से मैसेज करता है और उसके बाद मैं उससे कहता हूँ कि आपने जिस आईडी से कमेंट किया था उससे दोबारा कमेंट करो, उसी टाइम पे जो मैं कहता हूँ वो कमेंट करो, बाद में उसको डिलीट कर देना। तो वो उनको करना पड़ता है। और अगर मुझे पता था, बेसिकली हुआ ये कि जो जिन्होंने जीता है ना उन्होंने मुझे आज से तकरीबन काफ़ी टाइम पहले एक माइक से रिलेटेड मैसेज किया था। मैं उनका यहाँ पर जो स्क्रीन शॉट है वो डाल दूंगा मैसेज का। उनका नाम नबी है, पूरा नाम नहीं बता सकता, यहाँ पे इंस्टा आईडी दिखा दूंगा थोड़ा नाम हटा के ताकि आप लोग उन्हें जाके तंग ना करो। तो हुआ ये था, उन्होंने मुझसे SF666 माइक्रोफोन का जो था वो पूछा था और उसके बाद उन्होंने परचेज़ भी किया। तो उन्होंने जब ये देखा कि वो गिव अवे जीत गई हैं तो उन्होंने मुझे डायरेक्ट व्हाट्सएप के ऊपर नंबर जो किया वो किया, मेरा थोड़ा ई कॉमर्स रिलेटेड काम है तो उन्होंने मुझे डायरेक्ट वहाँ पर ही मैसेज किया। तो मैंने कहा मुझे इस तरह करके दिखा दें, उन्होंने उसी टाइम मैसेज किया, देन मैंने अपने एंड से ही जो था वो कमेंट डिलीट कर दिया। तो ये सारा सीन था। अब मेरा उनके साथ डायरेक्ट पहले ही कॉन्टैक्ट हो गया था कुछ ही टाइम के बाद जब मैंने वीडियो बनाई है, तो ऐसा कोई मसला नहीं आया। और मैंने वीडियो के अंदर ये गलती से कह दिया था कि किसी ने अपनी बहन से या फिर घर में से किसी के अकाउंट से किया तो मैं भी उनको जीते हूँ। तो लोगों ने इस बात का फ़ायदा उठा के मुझे मैसेज करना शुरू कर दिया कि भाई हम जीते हैं। तो मेरा उनसे खैर डायरेक्ट हो गया था, मैं व्हाट्सएप के स्क्रीन शॉट्स इन डाल सकता और वो वैसे भी मेरा बिजनेस वाला नंबर है तो वो चीज़ तो मैं नहीं कर सकता। बाकी खैर मैं आपको उनकी इंस्टा की आई डी दिखा दूँगा और भी आप लोगों का मैसेज आते रहते हैं तो वो भी शो हो जाएंगे आप लोगों को और उन लोगों का भी मैसेजेस दिखा दूंगा। तो ये भाई सारा सीन वगैरह। और ऐसा नहीं है कि मैं किसी को समझ के किसी और को गिवे दे दूंगा, इतना पागल भी मैं भी नहीं हूँ। 4 साल से यूट्यूब पे हूँ, बाकी मेरी थोड़ी गर्दन शार्ट हुई है तो वीडियो नहीं बना पा रहा। ये ओनी कामा का K15 भी मैं लेके आया हूँ, काफ़ी फिट हेडफोन है तो इसका भी जल्दी रिव्यू आ जाएगा। तो ये भाई मैंने वीडियो बनाई थी इस वजह से ताकि आप लोगों को बता दूँ कि भाई इस तरह की कोई स्कीमें नहीं लड़ेंगी, जिस जो चीज़ जो जीतेगा उसको ही मिलेगी। तो ये सारा भाई सीन है। तो आई होप आप लोगों को जो चीज़ें वो क्लियर हो गई। बाकी कोई और सवाल वगैरह भी है तो वो भी मेरे से पूछ लो। बाकी फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। अल्लाह हाफिज़।